फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मेले के पास, तुक्के से पहुंचे हुए हैं। ली है 10-10 रुपए की टिकट है, टिकट का कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं तैयार होकर लक्ष्मी के रूम पे आई हूँ कहीं जाने के लिए, और मैंने यूट्यूब में देखा है कुछ ब्लॉग्स देखे तो सेक्टर 10 में मेला लगा हुआ है, विंटर मेला करके गुड़गांव में। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, देखें लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि मैंने गूगल में सर्च किया मुझे मिल नहीं रहा था, देखते हैं कहीं पोपट ना हो जाए हम लोगों का। तो चलिए देखते हैं मेला लगा है नहीं लगा, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, हम आपको दिखाएंगे आज मेले की रौनक। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मेले के पास, तुक्के से पहुंचे हुए हैं, और ऑटो वाले ने ठीक यहाँ पर ही रोका है। तो अब हम चलते हैं मेले के अंदर। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, मेन सेक्टर 10 पे ही है ये मेला जहाँ पर लगा हुआ है। अंदर का नज़ारा कुछ इस टाइप का है। तो अभी हम अंदर चलेंगे और दिखाएंगे आपको मेले की रौनक। तो चले भी पहले टिकट ले लेते हैं, आपको भी बताएंगे टिकट का प्राइस क्या है। तो गाइज हम लोगों ने टिकट ले ली है, 10-10 रुपए की टिकट है, टिकट काफ़ी सस्ती है। और जो लोकेशन है यहाँ की मेन यूरो इंटरनेशनल स्कूल के पास में ही है। तो अगर आप यूरो इंटरनेशनल स्कूल डालेंगे सेक्टर 10 की, तो वहाँ पर ये मेला लगा हुआ है, आपको सामने ही दिख जाएगा। तो टिकट हमने ले ली, अब हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं मेले की रौनक आप लोगों को। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं और अंदर का माहौल देखिए, ये कुछ इस टाइप का नज़ारा है। अभी तो भीड़ कम ही दिख रही है हमें यहाँ पर। यहाँ पर आप बेसिकली बच्चों को ला सकते हैं, काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी झूले हैं छोटे छोटे, तो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, और भीड़ भी कम ही है यहाँ पर। तो एक यहाँ पर ये कुछ न्यू पाकिजा चैटर्जी करके कुछ लगा हुआ था, पता नहीं क्या था, हम लोग गए तो नहीं यहाँ। अब ज़रा थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं कि झूला झूला जाए, और ऊँट की सवारी भी हो रही थी यहाँ पर। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये जो मेला लगा है बच्चों के लिए ही लगाया गया है, क्योंकि ज़्यादातर झूले जो है बच्चों के लिए लगे हुए हैं। और ये देखो ये भीम वाला बहुत क्यूट लग रहा था। और अब चलते हैं हम अपने झूलों की तरफ, क्या पता हमें भी कुछ बड़े झूले मिल जाए तो उसमें हम झूलते हैं ज़रा। एक ये बड़ा झूला है, मिला तो है लेकिन इसमें बैठने का मन नहीं है, काफ़ी स्लो चल रहा है, और ऊपर से अभी तो मन भी नहीं कर रहा है इसमें बैठने का, तो कुछ और में बैठना है। आगे देखते हैं और क्या मिलता है हमें झूले। आज तक मैं कभी ये भूत बंगले में नहीं गई हूँ, तो आज जाके ट्राई करते हैं एक्चुअल में है क्या अंदर भूत बंगले में। तो चलो दोस्तों चलते हैं अंदर भूत बंगले के अंदर, और आप लोग भी चलो यार, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अंदर किस किस टाइप के भूत दिखेंगे। डरना मत, बस मैं भी नहीं डरूँगी भाई। ये क्या अंधेरा हो गया। अच्छा अब यहाँ से स्टार्ट होता है। लक्ष्मी चल चल चल, ये आया ऊपर से भूत, एक भूत यहाँ दिखा हमें। Yeah.
भाई ये हुआ भूत बंगले का सफ़र ख़त्म। इतना ही था भूत बंगले का। बहुत ही मज़ा आया। ये बच्चे सारे मास्क लगा के बैठे हुए थे। बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। भाई मैं तो कुछ टाइम तक डरी गई थी एक दो बारी। अब हम लोग ब्रेक डांस पे जाने वाले हैं। यहाँ भीड़ इतनी कम थी कि ब्रेक डांस में केवल हम दोनों ही बैठे हैं और हम दोनों को झुला रहा है वो ब्रेक डांस वाला। और हम दोनों तो काफ़ी मज़े किए अकेले बैठे बैठे, और बहुत मज़ा आया क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग इस ब्रेक डांस में बैठे थे। यार हिलाने में बैठती थी मैं बहुत ज़्यादा।